ओली, स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि फेमस है अपने स्कीइंग रिजॉर्ट, ओली लेक, स्नो कवर माउंटेन और केबल कार के लिए। ओली उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में पड़ता है। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये खूबसूरत सा हिल स्टेशन स्नो लवर में काफी पॉपुलर है। सो इस वीडियो में मैं आपको ओली इन विंटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ओली कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्च आएगा ओली घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप ओली का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विंटर में बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो जनवरी टू मार्च बेस्ट टाइम रहता है ओली में स्नो देखने का और स्नो एक्टिविटीज इंजॉय करने का। विंटर सीजन में आपको स्कीइंग इवेंट्स टूर्नामेंट भी ओली में देखने को मिल जाएंगे। ओली आने के लिए आपको पहले जोशीमठ पहुंचना होता है। जोशीमठ से ओली की दूरी 6 किलोमीटर है। जोशीमठ आप बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय बस और सेल व्हीकल से पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन से आप आना चाहें तो नीरस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश का पड़ता है। सो आपकी सिटी से जहां की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाए वहां से आप आ सकते हैं। देहरादून से जोशीमठ की दूरी 290 किलोमीटर, हरिद्वार से 272 किलोमीटर और ऋषिकेश से 250 किलोमीटर पड़ती है, जिसे आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार के बस स्टैंड से आपको जोशीमठ के लिए बस इजीली मिल जाएगी, जिससे आप 9 से 10 घंटे में जोशीमठ पहुंच सकते हैं। बाय एयर की बात करें तो जोशीमठ से नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ता है, जहां तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं और आगे का सफर बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। बाय सेल व्हीकल से भी आप जोशीमठ आ सकते हैं। जोशीमठ वेल कनेक्टेड है रोड से। दिल्ली से जोशीमठ की दूरी 512 किलोमीटर और चंडीगढ़ से जोशीमठ 458 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। होटल की बात करें तो होटल आप जोशीमठ में ले सकते हैं, जो कि आपको 1500 से 2000 की रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से होटल ले सकते हैं। ओली में आपको GMVN के गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, पर वो काफी कॉस्टली रहते हैं, जिसका फेयर 6000 से 8000 रुपये पर रूम तक रहता है। जोशीमठ से ओली आप रोपवे, बाय कार और ट्रॉली से पहुंच सकते हैं। रोपवे से आप ओली आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जोशीमठ पहुंचकर रोपवे का टिकट ले लें। रोपवे का टिकट प्राइस आने जाने का 1000 रुपये पर पर्सन रहता है। रोपवे की टिकट के लिए आप जितनी जल्दी सुबह टिकट काउंटर पर पहुँच जाएँ उतना अच्छा है। आप 7-8 बजे टिकट काउंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि जैन टू मार्च पीक सीजन रहता है। सो अगर ज्यादा टूरिस्ट आ जाएं तो सभी टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं और बुकिंग क्लोज हो जाती है। सो इस बात का ध्यान रखें। सेकेंडली, आप टैक्सी से ओली स्की रिजोर्ट केबल कार पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और आगे मेन स्नो पॉइंट तक केबल कार से 500 रुपये में आना जाना कर सकते हैं। सो फर्स्टली आप रोपवे का ट्राई करें, अदरवाइज आप टैक्सी से केबल कार तक पहुंच जाएं और आगे का सफर केबल कार से तय करें और 4 बजे तक आपको ओली से वापस आ जाना होता है, अगर आपका वहां पर स्टे नहीं है तो। सो ओली पहुंचकर आप स्कीइंग रिजोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं और स्कीइंग रिजोर्ट से ओली लेक तक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है और विंटर में ये लेक पूरी तरह जमी होती है और आप ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन देख सकते हैं। सो स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के चार्जेस की बात करें तो 1500 से 3000 रुपए तक आपके स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के चार्जेस लग सकते हैं। अगर आप बेसिक स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग सीखना चाहते हैं तो 500 रुपए आपके अलग से चार्जेस लगते हैं और आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी ओली में कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 7 से 14 दिन तक का रहता है। सो 7 से 14 दिन आपको ओली में रहना होता है और इसके चार्जेस 20,000 से शुरू होकर 50,000 रुपये तक रहते हैं, जिसमें रहना इंक्लूड रहता है। फूड की बात करें तो ओली में आपको कुछ फूड पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट आप स्नैक्स और पानी की बोतल नीचे जोशीमठ से ही लेकर आएं
ऊपर ओली में आपको सभी चीजें महंगी मिलेंगी, जैसे कि 20 रुपए वाली पानी की बोतल आपको ओली में ऊपर 40 रुपए की मिलेगी। बाकी जोशीमठ में फूड आपको नॉर्मल रेट्स पर मिल जाएगा। सो ओली घूमने के लिए 2 दिन चाहिए होते हैं, जिसमें आप एक दिन ओली घूमें और एक दिन जोशीमठ लोकली एक्सप्लोर करें। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो आप बद्रीनाथ और माना गांव भी घूमने जा सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 45 किलोमीटर है। बद्रीनाथ और माना विलेज की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं। सो ओली 2 दिन घूमने का बजट आपका कुछ इस तरह रहेगा। सो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं और 1500 रुपए का होटल ले रहे हैं तो 2 दिन का होटल का खर्चा 3000 रुपए। सो पर पर्सन कॉस्ट आपकी होटल की रहेगी 1500 रुपए पर पर्सन, फूड का 2000 रुपए पर पर्सन और साइट सीइंग का 2000 रुपए पर पर्सन। सो इस तरह से आप 4500 से 5000 रुपए में ओली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा ऐड कर अपना ओली का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।